हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे चल रही है आपकी केबीएस की तैयारी? तो दोस्तों यहां पर आप सभी को पता है केबीएस के वैकेंसीज आ चुके हैं, साथ ही साथ अब हम सभी अपने सब्जेक्ट को लेकर कंसर्न हो भी चुके होंगे। पर दोस्तों क्या आप सभी को अभी तक सिलेबस के बारे में पता है? और हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, तो मैं आज आपको एक बार फिर से सिलेबस के बारे में डिस्कशन कराने वाली हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी इकोनॉमिक्स का कम्प्लीट सिलेबस और हम उसे कैसे करने वाले हैं और कैसे कैसे हमारी क्लासेस चल रही हैं, उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों आज पहले एक बार जान लेते हैं कि केबीएस में कितनी वैकेंसीज है या फिर उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसी के साथ साथ ये जानेंगे कि केबीएस का कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं आपको यहाँ पर जुड़ी हूँ केबीएस के इकोनॉमिक्स के पेपर को लेकर। जी हाँ, इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में आप सभी की तैयारी को अपने साथ और हम सभी इसे इंश्योर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता ही है कि केबीएस के जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकले हैं, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो काफी ज्यादा निकली है, अराउंड 31304 के अराउंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज केबीएस में निकली हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो पेपर होने वाला है ये कंप्लीट ऑनलाइन मोड पर पेपर होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड पर पेपर ये चलेगा और 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स का पेपर ये रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बोले गए नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 मार्क्स का पेपर है और 180 मार्क्स का के ही इसमें नंबर है। और ये रिटर्न इसका जो प्रोसेस है बेटा, याद रखिएगा, रिटर्न टेस्ट प्लस यहाँ पर रिटर्न प्लस इंटरव्यू, ये रिटर्न और इंटरव्यू बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होंगे। और कितने घंटे का पेपर है? फॉर ईच सब्जेक्ट 3 आवर्स का आपका पेपर ये रहेगा। तो 3 घंटे का पेपर है। अगर आपने पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं तो अभी मैं यहाँ पे आपको एंटायर सिलेबस एक बार फिर से समझाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि हम भी ये सिलेबस के तरीके से, हालांकि ये क्लासेस चल रही हैं और मैं इसे कैसे पूरा करा रही हूं या आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स को 2 भागों में इसमें डिवाइड किया गया, एक इसका स्टैटिकल पोर्शन और एक आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन। तो इसके हमें दोनों पोर्शन करने हैं, ठीक है, यहां पर हमें इसे क्या करना है, दोनों पोर्शन करने हैं। जैसे कि मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमी, सांख्यिकी भी पूछी जाएगी। ठीक है, जो सांख्यिकी होती है, स्टैटिस्टिक्स डाटा होते हैं, उनकी मीनिंग, उनके स्कोप, इनके फंक्शंस और उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या बेसिकली है, तो ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो पहला टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स की पहले मैं बात कर रही हूँ। स्टैटिस्टिक्स में आपको, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कलेक्शन, ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटास की, डाटास की कैसे कलेक्शनिंग होती है, जिसमें आपकी सैम्पलिंग आती है, उसके मेथड्स आते हैं, ठीक है, उसके सेकेंडरी फॉर्म्स आते हैं, ये सारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सभी फंक्शन, सेंसस यानी कि भारत की जनगणना, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। जैसे कि कलेक्शन ऑफ डाटा में आपको पढ़ना है सोर्स ऑफ डाटा, कि डाटा के सोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं। जब पहली बार डाटा इकट्ठा किया जाता है तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है, जब उसी डाटा को दोबारा कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर लेती है तो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड विद अ सेंसस, सेंसस के लिए कौन कौन सी डाटा की जरूरत होती है, सेंसस कैसे निकाली जाती है, ठीक है, ये सारी, ठीक है। इसके बाद मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। कई बार हम पर्सनली घर घर जाके लोगों से पूछते हैं, कई बार एजेंसियों से डाटा उठा लेते हैं, तो देयर आर मेनी मतलब मेथड, वो सभी मेथड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO के बारे में भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मीनिंग, टाइप, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये सारे डाटा। इसके बाद टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्रामेटिकल वे में, ठीक है, ग्राफ पे कैसे कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल वे में कैसे, जियोमेट्रिक वे में कैसे दिखा सकते हैं, पॉलीगन वे में या ऑजिप वे में किस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इसके अंदर सीखेंगे और ये कंप्लीट आपके सिलेबस में है, ठीक है।
इसके बाद आते हैं स्टैटिकल टूल एंड इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी। आपको पता है मीन मोड मीडियन निकालने के लिए सेंट्रल टेंडेंसीज का यूज किया जाता है, तो मीन मीन मोड मीडियन के लिए ये दिया गया है। इसके बाद आपको कोरिलेशन भी दिया गया है, जिसमें आपको सभी डायग्राम मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन विद अ कार्ल पियर्सन मैथड, ठीक है, कार्ल पियर्सन मैथड के द्वारा कैसे निकाला जाता है और स्पीजमैन रैंक से कैसे निकालते हैं, तो ये सारे इनके रैंक्स भी आपको पढ़ने। इंट्रोडक्शन टू अ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कैसे निकाला जाता है, मुद्रा स्फीति को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सारी चीजें। तो यहाँ पर देखिए, देखिए WPI मेथड का यूज हम कब करते हैं, इन्फ्लेशन को निकालने के लिए। CPI मेथड का यूज कब करते हैं, इन्फ्लेशन को निकालने के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स किस लिए यूज किया जाता है, इन्फ्लेशन को निकालने के लिए। तो इनके जो मेथड्स हैं, किस तरीके से हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द बास्केट ऑफ कॉमोडिटी, ये सारी चीजें भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ओके, इसके साथ साथ इंट्रो, ये आ गया आपका स्टैटिकल पार्ट। ये सारा आपका स्टैटिकल पार्ट है, जिसमें कलेक्शन का ऑर्गेनाइजेशनल डाटा और स्टैटिकल पार्ट दोनों ही दिए गए हैं। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स को भी डिवाइड दो पार्ट्स में किया गया है गाइस, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपके सिलेबस में दोनों दी गई है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स भी दी गई है और मैक्रो भी दी गई है। तो पहला जो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अंदर हम सभी को क्या पता होगा, इसके अंदर रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन दिया होगा कि हाउ टू यूज रिसोर्सेज, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड नॉमरेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉमरेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, दोनों के बीच में क्या आता है। इसके साथ साथ इसमें इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, तीन प्रॉब्लम है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसे कैसे सही किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा कर्व बनाया जाता है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया जाता है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट क्या है, और साथ ही साथ इनडिफरेंस कर्व क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन डिमांड, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी जो कंप्लीट होती है, जिसमें कंज्यूमर की डिमांड भी इंक्लूड होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी होता है, वो पूरा आपका सिलेबस है। जैसे कि इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग, उसके मीनिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता है ना, वो वाला लॉ जो कहता है कि पहले पहले इंक्रीजिंग इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है और फिर डिक्लाइन करने लग जाता है, इसे हम लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व्स के एनालिसिस, और एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व जब मिल जाते हैं तो वो इंडिफरेंस मैप बना देते हैं। तो ये सभी इसके अंदर आएंगे, किसमें, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, इट्स अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारा का सारा कंज्यूमर बिहेवियर का ही पार्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट हो गया, कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसी के साथ साथ डिमांड, डिमांड फंक्शन में मार्केट डिमांड क्या होती है, डिटरमिनेंट्स, उसको इफेक्ट करने वाले कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मूवमेंट हो गई, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ इन डिमांड कर एंड कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड कर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड कर एंड इंक्रीज इन डिमांड कर, कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड कर एंड डिक्रीज इन डिमांड कर, तो ये सारी चीजें भी इसका ही पार्ट है। इसी के साथ साथ प्राइस इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है, अलग अलग गुड्स में प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड किस तरीके से चेंज होती है, तो ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है, आई मीन कंज्यूमर थ्योरी के अंदर आएंगे। अगला टॉपिक आएगा बच्चे प्रोड्यूसर, यानी कि सप्लाई थ्योरी, जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स थ्योरी, या जिसमें हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लॉ ऑफ सप्लाई, सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहे हैं, सप्लाई को शॉर्ट रन फंक्शन उसके पढ़ेंगे, उसके लॉन्ग रन फंक्शंस पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इनके बीच क्या रिलेशन होता है, होता है ना इस तरह का कर्व बनता है, ये हमारा टीपी का कर्व हो गया, ये हमारा एमपी का कर्व हो गया, तो ये इस तरीके से हमारे कर्व बनते हैं। तो कौन सा कर्व कैसे बनता है, इनके बीच का रिलेशन क्या क्या कहते हैं, इसी के अंदर इंक्लूड है कॉस्ट,
ठीक है, कॉस्ट आएगा कि टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या हो गई, इनके बीच में रिलेशंस क्या हो गए, इनके फॉर्मूले कैसे हम निकाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें। तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप है कि इनके बीच की रिलेशनशिप क्या होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो इनके बीच की रिलेशनशिप है, ठीक है। इसके बीच नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स, एक प्रोड्यूसर जो होता है वो संतुलन में कौन से बिंदु पर होता है, ठीक है। इलास्ट प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मूवमेंट इन सप्लाई, तो ये सारी चीजें जो जो अभी हमने डिमांड के लिए पढ़ी थी वही सब चीजें इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद गाइस आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बाजार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन सा बाजार किसको प्रभावित करता है, तो बाजार के चार प्रकार हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पीसीएम, पैरासिटामोल नहीं, पीसीएम, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट, ये हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स में गुड्स कौन से होते हैं, इन फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स कौन से होते हैं, स्टॉक में कौन से होते हैं, इन्वेस्टमेंट में कौन से होते हैं, तो पहले हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सर्कुलेशन फ्लो, नेशनल इनकम के जो सर्कुलेटरी फ्लोज है, कितने प्रकार से नेशनल इनकम निकाली जाती है, वैल्यू एडेड मेथड से निकलती है, प्रोडक्ट मेथड से निकलती है और एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से। तो वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, ये सारे मेथड्स इसके अंदर करेंगे। इसके बाद एग्रीगेट रिलेटेड टू जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, ठीक है। तो ये सारे जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी एंड वेलफेयर, हमारे देश का जीडीपी वो वेलफेयर को किस तरीके से प्रभावित करता है, आर्थिक कल्याण को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसके बारे में। अगला टॉपिक आता है बेटा मनी एंड सप्लाई, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग इजी है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में और इन मॉनेटरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड हाउ टू क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे। जैसे लिखा है मनी, मीनिंग ऑफ द मनी, सप्लाई ऑफ द मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और नेट डिमांड, डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक, कितनी जो डिपॉजिट है वो पब्लिक के पास है, कितनी करेंसी बाहर के पास है, ये सारी चीजें। इसके बाद मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, एक कमर्शियल बैंक पैसे से पैसा कैसे बनाती है, तो लोन्स के थ्रू बनाती है, तो कैसे वो मनी क्रिएशन होती है, ये सारी चीजें। अगला आता है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और उसके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी के मात्रात्मक और गुणात्मक जो मतलब वो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट इत्यादि। तो गाइज ये यहाँ पे आपके सिलेबस का पार्ट है। अगला आता है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से आपकी शुरू होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से कौन सी इकोनॉमिक स्टार्ट हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यू नो वेरी वेल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन ऑल्सो नोन एज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला आता है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट, कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और उसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, जितना हमारे पास पैसा है उतने में से कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मैकेनिज्म, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट्स का शॉर्ट टर्म में इक्विलिब्रियम क्या होता है और लॉन्ग रन में बेसिकली क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट का वॉलेंट्री एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, नॉन वॉलेंट्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होती है, जैसे डिस्कस्ड है, फ्रिक्शनल्स है, सीजनल है, ये सारी एम्प्लॉयमेंट्स पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के द्वारा होने वाली सप्लाई, जब मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, सिंपल सी बात है इन्फ्लेशन आ जाती है, तो इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, ठीक है, यहां तक हम करेंगे। अगला आता है द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट गवर्नमेंट बजट, इसमें आता है अगला गवर्नमेंट बजट,
कि गवर्नमेंट बजट की मीनिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। इसमें गाइस हमें स्टैटिक फैक्ट तो पढ़ने ही होते हैं, प्लस इसमें करंट ईयर के भी प्रायर फैक्ट्स पढ़ने होते हैं कि भाई जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसमें क्या क्या फैक्ट थे। तो गवर्नमेंट बजट मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड इट्स कॉम्पोनेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। पूरा चार्ट बनता है ना, कि मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो मैं पूरे चार्ट से पढ़ाऊंगी कि कौन से कैपिटल रिसिप्ट है और कौन से कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट है। फिर कैपिटल रिसिप्ट में भी बहुत सारे सब पॉइंट्स है, फिर उसमें टैक्सेस के बारे में आ जाएगा, कौन से टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, तो ये सारी चीजें। अगला आता है बैलेंस सरप्लस बजट क्या होता है, ठीक है, या बजट अगर मान लीजिए घाटा आता है, बजट में घाटा आता है तो उसमें सुधारात्मक कैसे किया जा सकता है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, ये सभी। अगला आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। भुगतान शेष एक ऐसा टॉपिक है जिससे 101% क्वेश्चन आता है और 2 नंबर देके जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा करना ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स मीनिंग एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक कंट्री जितने भी एक दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है तो उनका जो ब्यौरा होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस क्या होते हैं और उनके डेफिसिट्स क्या होते हैं। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, विदेशी विनिमय दर क्या होती है। जब हमारी किसी हम किसी एक कंट्री का किसी भी कंट्री का जब एक यूनिट्स खरीदना चाहते हैं उनकी करेंसी के, तो हमें अपनी कंट्री की करेंसी के कितने यूनिट्स देने पड़ रहे हैं। यानी कि मान लीजिए हम कोई भी वो खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए मैं $1 खरीदना चाहती हूँ, तो $1 को खरीदने के लिए मुझे अपनी कंट्री के कितने यूनिट्स देने पड़ जा रहे हैं, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज। इसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज 2 तरीके से हो सकती है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग और मैनेजमेंट, सॉरी फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग। तो ये फॉरेन एक्सचेंज की हम बात करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, फ्री मार्केट मैकेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, फिक्स मार्केट में फ्री मार्केट मैकेनिज्म क्या होते हैं, एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरा क्या होता है, ये सभी। अगला बच्चे इसमें आता है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस। हमारा जब देश है, हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट विकासात्मक एक्सपीरियंस कब से कब तक रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे 5 ईयर प्लानिंग्स को, योजना आयोग के बारे में कंप्लीट चीजें जानेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से देश में डेवलप हुआ। तो डेवलपमेंट को जानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है योजना आयोग। योजना आयोग 1951 में स्टार्ट हुआ था और वो धीरे धीरे सारे ईयर्स को कवर करता हुआ चला, तो वहां से हम सारा सिस्टम कवर करेंगे। अगला है मेन फीचर्स प्रॉब्लम पॉलिसीज। इसके बाद आता है नई आर्थिक नीति इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, तो इसमें एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इस पूरी पॉलिसीज को इसमें जानेंगे। अगला आता है यहाँ लिखा ना फीचर्स ऑफ अप्रेजल ऑफ द लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। इसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, तो ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है कि डिमोनेटाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसने इकोनॉमी को किस तरीके से प्रभावित किया या हमारी इकोनॉमी पे उसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, किसके डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के, जीएसटी के क्या इफेक्ट पड़े, जीएसटी कहाँ कहाँ पर लागू होती है, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीजें। अगला आता है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। भारत का जो करंट सिनेरियो है, यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है करंट में, वो क्या क्या फेसिंग कर रही है। अभी देखिए ये क्वेश्चन, ये टॉपिक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है इस समय पे, क्योंकि जब से कोविड हुआ, कोविड के बाद से इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा इनस्टेबल रही है, तो जब से तो आप और हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकेम रिसोर्स, हाउ पीपल बिकेम रिसोर्स, रूल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक, ह्यूमन कैपिटल SDI इंडेक्स में आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसमें हम बच्चे कुछ नाबार्ड के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड चेंजेस। इसके बाद है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सतत विकास, धारणीय विकास के जो लक्ष्य होते हैं, यानी कि हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जो ना सिर्फ हमें करंट में फायदा दे जबकि भविष्य में भी दे, तो उनके लक्ष्य। इसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया ए कंपैरिजन विद द नेबर, अपने देशों के साथ दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इश्यूज, इन इश्यूज पे बात करेंगे, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे हम बेसिकली बात करेंगे। सो वेल गाइज, आपको ये एंटायर इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझ आ गया होगा, जिसमें कि कुछ स्टैटिकल पार्ट है और कुछ हमारा जो पार्ट है वो क्या है,
कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स भी दो पार्ट में बटी हुई है, माइक्रो और मैक्रो। तो ये एंटायर था, ये सारा का सारा सिलेबस है, जहां पे मैंने किसी भी इस सिलेबस में एक भी चीज नहीं छोड़ी, एंटायर कंप्लीट सिलेबस है। सो प्लीज गाइस अपना ये सिलेबस कंप्लीट करिएगा। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो विदाउट पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं, पेपर देने जाने से पहले सिलेबस नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर आप अपने पेपर की तैयारी शुरू करें तो पहले अपने सिलेबस को पूरा लिखिए, अपने बोर्ड पे चिपका लीजिए, अपनी कहीं मतलब जो आपकी दीवार वगैरह वहां पे भी आप इसे लगा सकते हैं, ताकि आपका सिलेबस आपके सामने हो। देखिए तैयारी करने के दो तरीके होते हैं, एक डीप स्टडी और एक है स्मार्ट स्टडी। अगर आप डीप स्टडी से करते हैं तो आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको नहीं पता क्या पढ़ना है। अगर आप स्मार्ट स्टडी से पढ़ेंगे तो आप सिलेबस अकॉर्डिंगली कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना इसको मेजर कर पाएंगे और आप अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। सो वेल गाइज, इस क्लास को मैं यहीं पे ओवर करूंगी और आपके साथ मिलूंगी अगली क्लास में। सो थैंक यू सो मच गाइज विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। अगली क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर। और दोस्तों यस, एक चीज आपकी रह गई है टेक केयर से पहले, हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स रिजल्ट ग्रुप पे हर सब्जेक्ट की, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास ईच एंड एवरी डे 12:30 चलती है, यानी कि हर रोज सुबह दोपहर 12:30 बजे मेरी इकोनॉमिक्स प्योर इकोनॉमिक्स के केवीएस के लिए ही क्लास चल रही है। अगर आप मेरी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु के साथ मेरी क्लासेस हर रोज दोपहर 12:30 बजे आप देख सकते हैं लाइव, और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है और कंप्लीट सिलेबस हम इसमें आपको दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।